बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हर्बल हेल्थ क्लिनिक यूट्यूब चैनल में खुश आमदी। दोस्तों, मर्दाना कमज़ोरी के शिकार अफराद के लिए आज मेरे पास एक कंपनी की दवाई का तोहफा हाजिर खिदमत है। ऐसे अफराद जो कि हुकुमा से इलाज नहीं करवाना चाहते, दवाई नहीं बनी बनाई लेना चाहते बनवा कर, जो चाहते हैं कि कंपनी की दवाई हो, कोई बता दे आसान सा, कोई मजून वगैरह हो, तो वो इस्तेमाल करके मर्दाना कमज़ोरी से छुटकारा हासिल किया जा सके, असाबी कमज़ोरी से, मसाने की कमज़ोरी से, जिस्मानी कमज़ोरी से छुटकारा हासिल किया जा सके। तो उन लोगों के लिए मेरी आज की वीडियो जो है ये ख़ास तौर पर एक तोहफा है। दो चीज़ों पर मुश्तमिल है आज की वीडियो, एक इसमें मजून है और एक इसमें है मुरक्कब, जिसको कुश्ता कहते हैं। पहले नंबर पर इसमें मजून है लबूब कबीर, करशी हमदर्द, अजमल अशरफ, तमाम अच्छी कंपनियाँ इस मजून को बनाती हैं। मैं करशी की इस्तेमाल करवाता हूँ, आप किसी और अच्छी कंपनी की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है इसमें अजराकी मुदब्बर, अजराकी को कुश्ता किया हुआ होता है ये अजराकी मुदब्बर, कंपनी का भी मिल जाता है, हम खुद करते हैं इसलिए ये मेरे पास इस तरह शापर में पड़ा हुआ है, वरना पैकिंग में कंपनी का भी मिल जाता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लेना है 100 ग्राम की ये डब्बी मजून लबूब कबीर की, और उसमें 5 ग्राम अजराकी मुदब्बर डाल देना है, इसको बारीक पाउडर करके उसमें मिक्स कर देना है अच्छी तरह। जब ये आपको इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें तो इसमें आप लोगों ने 50 ग्राम देसी छोटा शहद भी इसमें मिक्स कर देना है। एक डब्बी मजून लबूब कबीर की, 50 ग्राम शहद और 5 ग्राम अजराकी मुदब्बर, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह घोट कर मिक्स कर लेना है, इसका एक फार्मूला मजून सा बन जाना है। इसका आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाना खाने से 1 घंटा बाद 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। 15 से 20 दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह मर्दाना कमज़ोरी से आपको निजात मिल जाएगी। मर्दाना कमज़ोरी खा किसी की वजह से हो, इंशाल्लाह ताला अगर आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे चंद दिन, तो आपको मर्दाना कमज़ोरी से निजात ज़रूर मिल जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को आज की ये शॉर्ट सी वीडियो और बहुत ज़बरदस्त था नुस्खा पसंद आया होगा। मिलेंगे नई वीडियो में नए नुस्खे के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।